I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to cover chapter number 3 of class 4, which is adaptation in animals. In this video, we are going to cover following topics: adaptation to environment, terrestrial animals and aquatic animals, which is on your book page number 24 to page number 28. Like plants, animals are found everywhere on earth. Plants ki tarah hi animal bhi har jagah paaye jaate hain earth par. They are adapted to survive in their surroundings. Unhone khud ko adapt kar rakha hai apne सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए. वैन देयर आर चेंजेस इन द सराउंडिंग्स सच एज चेंज इन क्लाइमेट, एनिमल्स ऑल्सो हैव टू चेंज देयर प्लेस एंड बिहेवियर टू सर्वाइव. जब भी इन एनिमल्स के सराउंडिंग में चेंज होता है या क्लाइमेट की कंडीशन में चेंज होता है, तो ये एनिमल्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं या फिर अपने बिहेवियर में चेंज लेते हैं. जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ये वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं और कहीं और चल जाते. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. इसी चेंज को, दिस चेंज फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एनिमल के नेचुरल होम को, जहाँ वो रहता है एनिमल, उसके नेचुरल होम को हम बोलते हैं हैबिटेट. ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट टू ऑब्टेन फूड, कीप देमसेल्फ सेफ, रिप्रोड्यूस एंड बिल्ड होम्स. एनिमल्स अपने हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए और रिप्रोड्यूस, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 25 पर. यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. अ कैमल फॉर एग्जांपल हैज डेवलप्ड लॉन्ग आईलैशेस टू प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम सैंड इन द डेजर्ट. इसमें हम पढ़ेंगे कैसे एक एनिमल्स अपने कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है पर्टिकुलर जगह में रहने. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है कैमल. अब कैमल क्या होता है, कैमल की जो आईलैशेस होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, ताकि डेजर्ट में जितनी भी धूल और मिट्टी होती है तो वो उसकी आँखों में एंटर ना कर सके, तो उसकी आईलैशेस बड़ी होती हैं. Animals that adapt themselves to these changes survive. Animal जो भी इन changes को adapt कर लेते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो survive कर पाते हैं. For example, अगर बहुत ज़्यादा cold climate हुए, कहीं climate change हो गया, पहले गर्मी थी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो पहले animal रहते थे वो कैसे survive कर पाएंगे, तो survive नहीं कर पाएंगे. उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से चेंज लाना पड़ेगा, वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दे विल डाई. एनिमल्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस डाई आउट स्लोली. ऐसे एनिमल्स जो कि चेंजेस नहीं कर पाते, एबल टू चेंज नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते चेंजेस को, तो क्या होता है, वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं. On the basis of their habitat, animals can be divided into 5 major groups. Habitat के basis पर हम animals को 5 main groups में divide कर सकते हैं, which is terrestrial animal, aquatic animal, amphibians, arboreal animals and aerial animals.
So let's start with terrestrial animal. Okay. Animals that live on land are called terrestrial animals. ऐसे animal जो land पर रहते हैं उन animals को हम कहते हैं terrestrial animal. They have well developed sense organs such as eyes, ears or nose to sense their surroundings. इनकी well developed sense organs होती हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, आइज होती हैं इनकी, ईयर्स, नोज, मतलब ये सेंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग को इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. दिस हेल्प देम हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. ये किस में हेल्प करते हैं, ये उनका फूड को हंट करने में हेल्प करते हैं और अपने एनिमीज से उनको बचाने में हेल्प करते हैं वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. दे हैव लेग्स टू हेल्प देम मूव. इनके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं. हाउएवर सम एनिमल्स सच एज स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, दे यूज देयर स्किन टू क्रॉल अलोंग द ग्राउंड. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लेग्स नहीं होते लाइक स्नेक, पर ये क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं. ओके, ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं. दे हैव लंग्स विच हेल्प देम ब्रीथ. इनके लंग्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं ब्रीथ. दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग सच एज फर, हेयर और स्केल्स सूटेड टू द हैबिटेट दैट दे लिव इन. इनके क्या होते हैं, इनके या तो फर होते हैं या हेयर्स होते हैं और या स्केल्स होते हैं, इन तीनों में से कुछ एक होता है जिसके थ्रू जो भी इनके हैबिटेट को सूट करता है वो. ओके, किसी एनिमल के फर होंगे, किसी के हेयर होंगे, किसी के स्केल्स होंगे, जो भी इनके हैबिटेट को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं. टाइगर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, काउ, पिग्स, डॉग्स and bears are some example of terrestrial animals. These are some examples of terrestrial animals. Let us learn about some terrestrial animals that survive in extremely harsh climates such as in deserts or in polar region. अब चलिए हम पढ़ते हैं कुछ अलग अलग terrestrial animal के बारे में, ऐसे animals जो कि land पर रहते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ऐसे भी तो एरियाज़ होते हैं ना हमारी अर्थ पर, लाइक डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम समर एक्सट्रीम रहते हैं वहाँ. और पोलर रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पोलर रीजन क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड रहता है वहाँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डेजर्ट आर एरियाज दैट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. डेजर्ट्स कैसे एरिया होते हैं, डेजर्ट्स ऐसे एरिया होते हैं जो कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, वेरी हॉट, एंड नाइट टाइम में क्या होते हैं, वेरी कोल्ड. देयर इज वेरी लिटिल फूड एंड वाटर. डेजर्ट्स में क्या होता है, बहुत कम फूड और वाटर अवेलेबल होता है. Animals living in deserts are adapted to conserve water in their body, survive on less food and water, protect themselves from hot and cold conditions. अब animals जो deserts में रहते हैं उनके ये feature होने चाहिए, ये three features उनमें ज़रूर होने चाहिए, मतलब वो अपनी body में वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको क्या बहुत कम फूड और वाटर की ज़रूरत होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और वो प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को हॉट और कोल्ड दोनों कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये कुछ फीचर्स होने चाहिए जो भी एनिमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं उनके. तो कोई एनिमल आपको याद आता है ऐसा, चलिए. A camel lives in a desert
एक कैमल क्या करता है, डेजर्ट में रहता है, इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट फूड एंड वाटर काफ़ी दिन तक। इट हैज़ अ थिक स्किन एंड कैंटी हेयर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। क्या होता है, इसकी जो स्किन होती है वो तो थिक होती है, लेकिन इसके जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, थिक स्किन होती है, स्कैंटी हेयर्स होते हैं, यानी कि इसके ज़्यादा हेयर्स नहीं होते, बहुत कम हेयर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये हॉट और कोल्ड दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। सिंस इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे इन डेजर्ट्स, मैनी डेजर्ट एनिमल सच एज स्नेक एंड लिजर्ड्स आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क। क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम पर, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स या फिर लिजर्ड्स, वो कैसे आते हैं, वो सुबह और शाम के टाइम ही निकलते, दिन के टाइम वो नहीं दिखते हों। सम एनिमल सच एज डेजर्ट रैट आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द नाइट। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं लाइक डेजर्ट रैट, जो कि सिर्फ रात को एक्टिव होते हैं, डेजर्ट रैट्स। ड्यूरिंग द डे दीज एनिमल स्लीप इन डैन केव और बरो। ड्यूरिंग द डे अब ये क्या करते हैं, ये सो जाते हैं कहाँ पर, अपने अपने कहीं गुफा में या फिर अपने जो भी डैन में सो जाएंगे, केव्स में सो जाएंगे या फिर बरोज में, ये क्या करते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, रात के टाइम पर ये एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम इतनी गर्मी नहीं। अब हम आ जाते हैं एक और रीजन पर जहाँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वो है पोलर रीजन। पोलर रीजन में भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, यहाँ होता है एक्सट्रीम कोल्ड, यहाँ बहुत ठंड होती है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। नॉर्थ और साउथ पोल में पूरे साल क्या रहता है, बर्फ रहती है, थ्रू आउट द ईयर आइस में आइस ही जमी रहती है। दीज आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये हमारी अर्थ के कोल्डेस्ट प्लेस है, मतलब इससे ज़्यादा ठंडा हमारी अर्थ पर कोई भी रीजन नहीं है। देर इज वेरी लिटिल फूड अवेलेबल इन दिस रीजन, इन रीजन्स में बहुत कम फूड अवेलेबल होता है। पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स एंड पेंगुइन आर सम एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, लाइक पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और पेंगुइन। पोलर बियर इनहैबिटेट द नॉर्थ पोल। पोलर बियर कहाँ निवास करते हैं, पोलर बियर नॉर्थ पोल में रहते हैं या निवास करते हैं। लेट अस लुक एट द एडेप्टेशंस शो बाय इट। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सर्वाइव कैसे करते हैं, कैसे इनकी बॉडी अडेप्ट करती है या इन्हें फूड कैसे मिलता है उतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, ये सर्वाइव कैसे कर पाते हैं ये हम देख लें। तो वी आर ऑन बुक पेज नंबर 26। इट हैज़ अ डेंस लेयर ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनकी क्या होती है, ये बहुत घनी फर की लेयर होती है, मतलब जो हेयर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है, जिसकी वजह से ये कोल्ड में बचे रहते हैं। द फर कीप्स इट्स बॉडी वार्म, जो इनके फर होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। अंडर द स्किन पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। स्किन के अंदर इनकी फैट की एक बहुत मोटी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ब्लबर। ओके, पहले तो इनके बहुत डेंस हेयर्स होते हैं, डेंस हेयर के बाद जो फैट की लेयर होती है ब्लबर, वो भी बहुत मोटी होती है, इसलिए ये इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रह पाते हैं। द ब्लबर कीप इट्स बॉडी वार्म, ब्लबर क्या करती है, इनकी बॉडी को वार्म रखती है।
In addition, it also serves as a source of energy during winter. और ये as a source of energy भी serve करती है winter में. The paws of the polar bear have small and soft bumps. जो paws होते हैं यानी कि पंजे होते हैं polar bear के, वो बहुत small और soft होते हैं. This help them to walk on the ice without slipping on it. अब इनके थ्रू क्या करते हैं, ये बहुत easily आइस पर चल पाते हैं बिना फिसले, क्योंकि आइस होती है और आइस पर अगर आप चलोगे तो ऑब्वियसली फिसल जाओगे, लेकिन इनके पॉज भी अडेप्ट होते हैं, पॉज भी ऐसे होते हैं कि जिसके थ्रू ये आइस पर नहीं फिसलते. They have an acute sense of smell. इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. This helps them to find their prey even below the thick sheet of ice. ये अपने शिकार को थिक आइस की लेयर के नीचे भी सेंस कर लेते हैं, बिकॉज इनकी जो स्मेल करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. Penguins are the most common animals that inhabited the South Pole. पोलर बियर रहते हैं नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में हमें मिलते हैं पेंगुइन्स. पेंगुइन्स आल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट इन देयर बॉडीज दैट कीप्स देयर बॉडी वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. अब क्या होता है, पेंगुइन्स की भी बहुत मोटी फैट की लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते. दे हडल टुगेदर टू कीप वार्म इन फ्रीजिंग टेम्परेचर. ये क्या होते हैं, ये झुंड में रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं ताकि इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये वार्म रह सके. अ मस्क ऑक्स दैट लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड ट्यूंडर region has thick shaggy hair which provides protection from the cold condition. अब एक मस्क ऑक्स होता है, ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया है, दिस इज मस्क ऑक्स. ये कहाँ रहते हैं, ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में रहते हैं, टंड्रा रीजन में रहते हैं ये लोग. एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है. इनकी क्या होती है, इनकी भी बहुत ज़्यादा हेयरी बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी पर जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं. ओके, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इस कोल्ड कंडीशन से. आपने देखा होगा इस जो पूरे पोलर रीजन वाले एनिमल्स हैं उनके हेयर्स जनरली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी फैट जो होते हैं ना ब्लबर वो भी बहुत थिक होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर. व्हेन अटैक्ड बाय प्रीडेटर्स मस्क ऑक्सन रन टू नियर बाय हायर ग्राउंड एंड देन फॉर्म अ सर्कल टुगेदर टू अटैक देम. जब भी शिकारी इन मस्क ऑक्स पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो ये मस्क ऑक्स क्या करते हैं, जो भी आसपास का थोड़ा ऊंचा इलाका होता है, ऊंचा एरिया होता है, ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी अटैक करने वाले को ही घेर लेते हैं सर्कल बनाकर, जिसके थ्रू ये अपने आप को क्या करते हैं, सेफ करते हैं. अब हम आ जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. क्रैब्स, टर्टल, डक्स, फिशेस, व्हेल्स एंड डॉल्फिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. कुछ एग्जांपल हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, लाइक क्रैब्स, डक्स, व्हेल, डॉल्फिन्स एंड ऑल. एक्वेटिक एनिमल्स
आर एडेप्टेड टू। अब एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। मूव इजिली इन वाटर, वाटर में इजीली मूव कर सकें। ब्रीथ इन वाटर, वाटर में ब्रीथ कर सकें। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब इन टू देयर बॉडी, और क्या कर सकें मतलब उनकी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब ना करें। ये थ्री फंक्शंस होते हैं एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स। क्रैब्स हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। अब क्रैब्स के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जिनके थ्रू ये अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। टर्टल हैव पैडल लाइक लिम्स व्हाइल डक हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू मूव इजीली इन वाटर। अब टर्टल्स के क्या होते हैं, टर्टल के पैडल लाइक लिम्स होते हैं और डक के होते हैं वेब्ड फीट। इनके फीट जो होते हैं वो कैसे वेब के जैसे होते हैं। फिशेज हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इट हेल्प देम टू मूव ईजिली इन वाटर। और फिश की क्या होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब एक नाव के जैसी बॉडी होती है, बीच में थोड़ी सी वाइड होती है और दोनों साइड पे कैसी होती है, दोनों साइड पे थोड़ी सी नैरो होती है, तो इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो अपने वाटर में ईजिली मूव कर सकते हैं। देयर फिन्स हेल्प देम टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर। इनके फिन्स क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं ईजिली स्विम करने के लिए और वाटर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। देयर टेल हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। और इनकी जो टेल होती है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। ये कैसे ब्रीथ करते हैं, ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। गिल्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स क्या करती है, जो भी वाटर, जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं ना वाटर में, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज वेल्स एंड डॉल्फिन हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन, इनके लंग्स होते हैं, इनके गिल्स नहीं होते, इनके लंग्स होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ कर पाते हैं। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग। ये क्या करती हैं, ये वाटर सरफेस के ऊपर आती हैं ब्रीथ करने के लिए और फिर नीचे चले जाती हैं। जैसे कि इफ़ यू हैव नोटिस्ड एवर, तो डॉल्फिन्स या फिर वेल्स क्या करते हैं, डॉल्फिन्स यूजुअली ऊपर आते हैं, वो ब्रीथ करते हैं और फिर वाटर में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है डॉल्फिन की। बाकी जिन भी फिशेस के गिल्स होते हैं उनको वाटर सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडर वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं। देख, एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड देयर इंटायर लाइफ इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, अपनी पूरी लाइफ कहाँ बिताते हैं, अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं ये वाटर में। देयर बॉडी इज अडॉप्टेड फॉर स्टेइंग अंडर वाटर। इनकी बॉडी कैसे अडेप्ट हो चुकी है, इनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है अंडर वाटर सर्वाइव करने के लिए। द बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद स्केल्स दैट आर वाटर प्रूफ। इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। किससे कवर होती है, स्केल से कवर होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact for further information.